Good morning, all my dear students of class 4. As you can see, the name of the chapter from your Hindi book is Swami Vivekanand, which we have already started. I have given you an introduction, जहाँ पे हमने जाना कि स्वामी विवेकानंद बचपन में कैसे थे, उन्होंने अपने माँ के माता जी से क्या क्या सीखा. तो चलिए हम उसी को शुरू करते हैं. जैसे कि आप पहले ही चित्र पर देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद बड़े होकर किसी सभा पर खड़े होकर कुछ स्पीच भाषण दे रहे हैं. तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं. उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. तो उनके जो गुरु थे, उनको जो गुरु का नाम था, जिन्हें वो गुरु मानते थे, बहुत इज्जत करते थे, उनका नाम रामकृष्ण परमहंस था. उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया. तो उन्होंने ही, रामकृष्ण परमहंस जी ने ही विवेकानंद को नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया. तो जैसे कि हमने पाठ के शुरुआत में पढ़ा था कि उनका नाम नरेंद्र था, तो उनको नरेंद्र से विवेकानंद नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था. एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए. तो एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के दौरे पर गए थे. अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे. विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया. भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर, देखिए क्या हुआ, तो उनके गुरु का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, पर रामकृष्ण परमहंस जी थे. आप में से कई रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना भी होगा. उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया था. जैसे कि आज हम जानते हैं नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद है, तो यही विवेकानंद नाम जो है, ये उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया था. एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए. तो एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के दौरे में गए थे किसी कारणवश. तो अमेरिका के शिकागो नामक शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे. तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम शिकागो है. वहाँ पर विभिन्न धर्मों के, तरह तरह के, अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोग आए थे, जो अपने धर्मों के बारे में भाषण देने आए थे. विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया, और विवेकानंद जी ने भारत की ओर से अपने धर्म, हिंदू धर्म के बारे में भाषण दिया. भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों, तो उन्होंने संबोधन में, मतलब भाषण देने से पूर्व जो हम शुरू करते हैं, उन्होंने भाइयों और बहनों कहा सभी को. यही सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी, सभी लोग तालियां बजाने लगे. अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई. तो अगले दिन सुबह उनके भाषण के बारे में हर लोग बात कर रहे थे अमेरिका के. उन्होंने अपने कार्य और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया, और उन्होंने अपने अच्छे कार्यों और उच्च विचारों से पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया. विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे. किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था. विवेकानंद जी ने उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए. उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी. तो इस पैराग्राफ में लिखा है कि विवेकानंद जी जो है, एक बार अपने विदेश के भ्रमण में ही कुछ लड़कों को देखा था कि कुछ लड़के अंडे के छिलके पर निशाना साध रहे हैं. तो विवेकानंद जी ने भी उनके साथ जाकर खड़े होकर पत्थर के कंकड़ों से उन पर निशाना लगाना शुरू कर दिया, और लगातार वे उनका निशाना सही उन अंडों के छिलकों पर लग रहा था. तो यही देखकर लड़के बड़े अचरज हो गए. वे पूछने लगे, ये कैसे संबंध है, आप बार बार कैसे लगा रहे हैं सही निशाना? तो उन्होंने जवाब दिया कि अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी. फिर वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे. उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो. वह बहुत ही सुंदर उनका विचार था. तो उनके विचार के बारे में मैं बता देता हूँ आपको. वे केवल एक संत ही नहीं थे
वे देशभक्त थे, अपने देश के बहुत बड़े भक्त थे, वक्ता थे, मतलब जो भाषण देते थे, विचारक थे, फिलोसोफर थे, लेखक भी थे, राइटर भी थे। उनका संदेश था, तो उनका एक संदेश था जो कि बहुत लोकप्रिय था, आज भी लोकप्रिय है, कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। उनका एक संदेश था कि उठो जागो, चलते रहो, कार्य करते रहो जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। दूसरे क्लास में मैं आपको इस पाठ की कुछ शब्द अर्थ के बारे में ज्ञान प्रदान करूंगा और साथ ही साथ लिखित और मौखिक प्रश्न जो है उसको मैं आपको दूंगा और समझाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।